हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में होम्योपैथी के एक टॉनिक के बारे में कुछ बातें बता दूँगी, या जिसे आप लेके आपका वज़न बढ़ाने में बहुत ये मदद करेगा। हालांकि बात बहुत सही है कि आज के दिन में कोई मोटा होना नहीं चाहता है, ज़्यादातर लोगों में होता है कि वज़न घटाना चाहते हैं। आजकल सभी चाहते हैं कि कैसे उसका वज़न घटे और दुबले पतले रहने चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं हमारे बीच में जो लोग मतलब अंडर वेट होने की वजह से या दुबले पतले होने की वजह से उनके मन में एक शिकायत रहती है कि वो कैसे अपना वज़न बढ़ाएं। तो मैं आज आप लोगों को एक टॉनिक, होम्योपैथी का एक बहुत ही शानदार लाजवाब एक टॉनिक बता दूंगी, जिससे आप लोग लेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का वज़न बढ़ेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो आज मैं एक टॉनिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और मैं आशा करूँगी कि मैं जो वीडियो आप बनाऊँगी ये बहुत आप लोगों को बेनिफिशियल देगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे शेयर करें। तो जो बात कह रही थी कि जो हमारे अंडरवेट फ्रेंड्स लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा वजन बढ़ाएं, उनका वज़न क्यों कम है ये भी बहुत जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहला कारण तो होता है कि अगर वो हेरिडिटी से या जेनेटिक कारण से उनका वज़न कम है तो हो ही सकता है, क्योंकि मदर फादर अगर दुबले पतले हैं या फैमिली में ऑलमोस्ट सभी थोड़े दुबले पतले हैं तो आप भी दुबले पतले होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा कारण ये होता है कि आपका अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, किसी कारण से आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है तो भी आपका वज़न ठीक से नहीं बढ़ता है। और दूसरी और कारण होती है कि अगर हम आप जो खाना खा रहे हैं जो उसमें कैलोरी ठीक से इंटेक नहीं हो पा रहा है, कि जितने आपको शरीर में वज़न बढ़ने के लिए जितनी कैलोरी की ज़रूरत है वो आप नहीं ले पाते हैं, या आपको सही जानकारी नहीं है कि आपको कितना कैलोरी लेना है, तो ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने शरीर के लिए कैलोरी लेना है। तो ये तो आजकल आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। और दूसरी कारण ये भी होता है कि अगर आप बहुत दिनों से कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आप किसी बीमारी आपका पहले हो चुका है, उसके वजह से भी आपका वज़न बढ़ने में नहीं हो सकता है कि उसके कारण से भी आपका वज़न ठीक से नहीं बढ़ पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को जो होम्योपैथी का टॉनिक बताऊंगी वो है अल्फा अल्फा एसबीएल कंपनी का टॉनिक है, जिसे आप लेंगे तो बहुत मतलब अच्छे से आपका वज़न बढ़ेगा। और ये सिर्फ वज़न बढ़ाने में नहीं, आपका मेंटल जो वीकनेस है या अगर आप एनीमिक है, आपका फिज़िकल वीकनेस है, उसमें इसको आपको मदद करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पड़ी हुई है हमारी होम्योपैथी का जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा, आपका मेंटल कंडीशन को बहुत अच्छा करेगा, आपका फिज़िकल कंडीशन को बहुत अच्छा करेगा और एक एनर्जी भी आपको शरीर को देगा। तो इसमें बहुत सा जैसे जिनसेंग पड़े हुए हैं, आप जानती हैं कि जिनसेंग हमारे शरीर के लिए ओवरऑल पूरे शरीर के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। दूसरा आपका हाइड्रस्टिस इसमें है, आपका कैल्केरिया फॉस है, काली फॉस है, चाइना है, चाइना बहुत एक ऐसी मेडिसिन है कि आपको किसी कारण से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है शरीर का, या अब बहुत दिनों से बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, वहाँ चाइना बहुत अच्छा काम करती है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा स्ट्रांग करती है ये चाइना मेडिसिन। तो ये सारे मेडिसिन इसमें पड़े हुए हैं और ये बहुत ही नेचुरल वाले तरीके से बने हुए एक मेडिसिन है, जिसमें आपको किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होने के डर नहीं है। और आप कोई भी होम्योपैथी शॉप में जाएंगे या
या आप ऑनलाइन मंगाना चाहे तो ऑनलाइन में भी आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये लेके आना है, और आपको ये चाहे अगर हो सके तो दिन में 3 बार अगर लेंगे तो बहुत अच्छा है, कि ब्रेकफास्ट से पहले ठीक आधा घंटा पहले 2 चम्मच लेना है, और लंच लेने से 2 आधा घंटा पहले 2 चम्मच लेना है, और रात के खाने के पहले भी आधा घंटा पहले 2 चम्मच। इस तरह से अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देगा। अगर किसी कारण से आप 3 बार आपको लेना संभव पर नहीं है तो 2 बार लेंगे तो भी तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जो बच्चे के ठीक से उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कई बार मम्मियों को शिकायत रहती है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता है, उसको भूख ही नहीं लगता है, वो भी अगर बच्चे को भी आप देंगे तो उसे भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो उस बच्चों के मामले में अगर है तो वहाँ पे आप उसको 1-1 चम्मच ही दें। आप 10 साल के नीचे के अगर बच्चे हैं तो, और उसके ऊपर वाले बच्चे हैं तो आप उसको 2-2 चम्मच करके दिन में 3 बार देंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इसके साथ में सिर्फ आप टॉनिक लेंगे तो ही आपका वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ में कुछ थोड़ा सा घरेलू उपाय भी करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आप आलू का सेवन करें। जैसे आलू लेंगे, आलू थोड़ा सा हर खाने के साथ में थोड़ा आलू लेंगे, और आलू को अगर आप थोड़ा सा बटर के साथ में लेते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट दिखता है। आपका जो शरीर में एक ग्लो भी आएगा, थोड़ा सा आलू बॉयल आलू लीजिए, उसमें थोड़ा सा मक्खन फेंट लीजिए और उसको खाइए, देखिए आपको बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें आलू में कार्बोहाइड्रेट है और कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, तो ये आपको शुगर में फैट डिपॉजिट करने में मदद करेंगे। और दूसरी होती है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि किशमिश हो गए और अंजीर, दोनों को सेम क्वांटिटी में लेके रात को भिगो कर रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह उठ के इसको खाइए, देखिए आपके शरीर के लिए फैट गेन करने में बहुत अच्छा मदद करेगा आपको। दूसरी होती है कि आप थोड़ा सा जो खजूर होते हैं या जो छुहाड़े होते हैं उसको रात को भिगो कर रख दीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसको दूध में थोड़ा भिगोइए, भिगो के रख दीजिए और दूसरे दिन फिर सुबह उसको खाइए, देखिए ये भी आपको शरीर के लिए बहुत, इसको शरीर में आपको शरीर को एनर्जी देगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, आपको पूरे दिन एक चुस्ती फुर्ती लाएगा। जो लेथर्जिक वाले होते हैं उनको बहुत अच्छा इसमें मदद करेगा। तो ये छोटे छोटे थोड़े से कुछ उपाय करके, और हाँ सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा आप ज़रूर हल्का फुल्का एक्सरसाइज या योग व्यायाम ज़रूर करें। योग करेंगे जैसे वज्रासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, ये आप अगर करेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करेगा, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो आपको अच्छे से भूख लगेगा और आपको खाना खाने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ टाइम टू टाइम आप खाना खाएंगे, तो अपने आप ही आपका शरीर में धीरे धीरे फैट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैं थोड़ा सा जो आप लोगों को जानकारी दे पाई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक मंगाइए, घर पे रखिए और लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, और आप लोगों को अगर इससे कोई उपकार मिले तो ज़रूर मुझे इसका फीडबैक दीजिए। हाँ, पर यह है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो टॉनिक या मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन या टॉनिक होती है कि बहुत जल्दी वेट गेन कराती है, प्लीज़ वो इस्तेमाल ना कीजिए। वो आपको तुरंत तो बहुत अच्छा वज़न बढ़ा देगा और आपके लगेगा कि अरे मुझे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। उसमें शरीर का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए। पर ये जो अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक है इसमें कोई किसी तरह का आपका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं अपनी गारंटी में आपको बोल रही हूँ कि ये आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, सेफ़ है ये आपके लिए, तो आप यूज़ कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा उपकार देगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।